हेलो दोस्तों, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर इस चैनल पर स्वागत है। और आज के मेरे इस वीडियो का विषय है कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता आ रही रवि की सवारी का प्रसंग सहित सरलार। शुरू करने से पहले अगर आपने इस कविता का एनिमेटेड वीडियो नहीं देखा है तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस आई बटन पर क्लिक कीजिए। पाठ के सरलार को जानने से पहले आइए इस कविता के सारांश को समझ लेते हैं। श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने इस कविता में सूर्योदय का वर्णन करते हुए सूर्य को राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रकृति के उपकरणों से रूपक बांधते हुए उन्होंने उसे एक उदार राजा के रूप में चित्रित किया है, जो अपनी विजय की प्रसन्नता प्रकट नहीं करता और पराजित चंद्रमा को देखकर ठिठक जाता है। यह कविता प्रकृति प्रेम तथा सौंदर्य बोध की भावना के साथ ही दूसरे के दुख के प्रति संवेदनशील होने की भावना का विकास करती है। कवि ने विजय और पराजय दोनों स्थितियों में समता बनाए रखने का संदेश दिया है। कवि सूर्य के विजय रथ को देखकर भी प्रसन्न नहीं हो पाता, क्योंकि उसे रात का राजा चंद्रमा भिखारी के रूप में दिख रहा है। पद्यांश: आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। प्रसंग: प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुंजन हिंदी पाठमाला में निहित कविता आ रही रवि की सवारी से लिया गया है और इसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। यहाँ पर कवि ने सूर्योदय के दृश्य का चित्रण तथा प्रकृति की परिवर्तनशीलता के अटल सत्य को चित्रित किया है। सरलार्थ: इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है, उसका रथ सुबह की नई किरणों से सजा है, रास्ता बाग बगीचों की कलियों और फूलों से सजाया गया है, प्रातःकाल के सूर्य की सुनहरी किरणें बादलों को सोने के रंग से रंग देती हैं, ऐसा लगता है जैसे बादल सूर्य के सेवक हैं जो सोने की सुनहरी पोशाक पहने हैं। इस रूप में सजी धजी रवि की सवारी आ रही है। पद्यांश: विहक बंदी और चारण गा रही है कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। प्रसंग: प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुंजन हिंदी पाठमाला में निहित कविता आ रही रवि की सवारी से लिया गया है और इसके कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। यहाँ पर कवि ने सूर्य के आगमन का मनोहारी वर्णन किया है। सरलात: इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि प्रातःकाल जब सूर्य का उदय होता है तो रात के अंधकार से सभी को मुक्ति मिलती है, ऐसा महसूस होता है जैसे कोई राजा अपने स्वर्ण रथ पर सवार होकर विजयी होकर आया हो और अपने राजा को देखकर उसके पक्षी रूपी चारण और बंदीगण उसकी प्रशंसा में कीर्ति के गीत गा रहे हों। पद्यांश: चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। हरिवंश राय बच्चन। प्रसंग: प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुंजन हिंदी पाठमाला में निहित कविता आ रही रवि की सवारी से लिया गया है और इसके कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। यहाँ पर कवि ने सूर्य के प्रतीक के माध्यम से समय की परिवर्तनशीलता को दर्शाया है। सरलार्थ: इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि
वह सूर्य राजा की विजय से खुश होकर उछलना चाहता है। अचानक वह चंद्रमा की दशा देखकर ठिठक जाता है कि रात का राजा चंद्रमा रास्ते में भिखारी बनकर खड़ा है। अर्थात परिवर्तन इस संसार का अटल सत्य है। जिस प्रकार रात के स्याह अंधेरे को सूर्य अपनी किरणों से दूर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। अतः मनुष्य को आने वाली हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने में ही समझदारी है। अगर आपको इस वीडियो से लाभ हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस पाठ की जानकारी को शेयर कीजिए और मेरे दो प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। पहला, राजा के आगमन पर कौन कौन प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। दूसरा, इस कविता के रचनाकार कौन है। मुझे आपके उत्तर का इंतजार रहेगा और ऐसे ही अन्य पाठों के एनिमेटेड वीडियो, कविताओं के सरलार्थ और प्रश्नोत्तर की जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में देखें और हिंदी भाषा से लगातार अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक नए पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।